हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़, CSIR UGC नेट के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स का बैच लेकर के आया है केमिकल साइंसेज का, जो कि आपका 28 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हो इसमें कौन कौन से एजुकेटर्स हैं, जैसे कि कुलदीप गर्ग, जागृति शर्मा मैम, सोनू डकला सर। तो ये सारे एजुकेटर्स जो हैं वो आपको पढ़ाएंगे केमिकल साइंसेज के लिए। और ये बैच जो है इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कशन किया जाएगा, जो भी आपके केमिकल साइंसेज में जो भी चीज़ें आती हैं उन सबके लिए ये बैच जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि ये क्रैश कोर्स का बैच है। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। और भी बैचेस की लिंक जो है अवेलेबल है, साथ में मेरी स्पेशल क्लास की लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके आप मेरी स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको नए नए क्वेश्चन सीखने को मिलेंगे। तो उस बैच की लिंक भी दी हुई है, क्लास की लिंक, वो ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो भी लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं प्लस या आइकॉनिक का, तो उन्हें मेरा रेफरल कोड यूज़ करना होगा, जो कि है शिक्षा 10, ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। तो आप जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करके। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आई एम श्रद्धा गुप्ता। आज के हमारी वीडियो में हम बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। जो हम बायो की सीरीज लेकर चल रहे थे वीडियो वाइज, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि पौधे द्वारा तैयार भोजन को पौधे के विभिन्न भाग में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। इजी क्वेश्चन है। तो जो बात किया कि भोजन को पौधे द्वारा जो तैयार भोजन फूड जो तैयार किया जाता है वो पौधे के विभिन्न और अन्य पार्ट्स में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है। तो जाइलम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम या पित्त। तो जो भोजन की बात अगर हो तो भोजन पहुँचाया जाता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। और अगर बोला जाए कि पानी को पौधे के विभिन्न भाग में किसके द्वारा पहुँचाया जाता है तो वो क्या हो जाएगा, जाइलम द्वारा। तो क्या हो जाएगा, पानी, ठीक। भोजन की बात करें अगर तो फ्लोएम और पानी को जाइलम। अगला क्वेश्चन है वर्गीकरण की मूल इकाई है, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन, ये क्लासिफिकेशन के मूल इकाई क्या है, जीन्स, स्पीशीज, फैमिली या ऑर्डर। इसके लिए पहले हम जो पूरी सीरीज है वो देख लेते हैं, वो आप याद कर लीजिएगा पेपर एकदम पूरा एकदम रखने टाइप का, क्योंकि पेपर में आ जाता है। तो मूल इकाई पूछी है तो आंसर वैसे हमारा स्पीशीज होगा। हम पूरी टेबल सीरीज देख लेते हैं क्या हो जाएगी, ठीक। तो पहला हमारा हो जाएगा स्पीशीज यानी प्रजाति, ठीक है, स्पीशीज होगी। फिर जीन्स, फिर फैमिली, ऑर्डर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम और फिर किंगडम, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, पहले आंसर देख लेते हैं फिर ये दोबारा देख लेंगे। क्वेश्चन था कि क्लासिफिकेशन में वर्गीकरण की मूल इकाई है, क्लासिफिकेशन की मूल इकाई क्या है, जी, स्पीशीज, फैमिली, ऑर्डर। तो हमने जो अपनी टेबल देखी, पूरी सीरीज देखी है, उसके अकॉर्डिंग मूल इकाई पूछी तो क्या है, स्पीशीज से स्टार्ट हो रही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, स्पीशीज यानी प्रजाति, ठीक। फिर स्पीशीज के बाद ये पूरी चेन याद कर लीजिएगा, स्पीशीज, फिर जीन्स, क्या, स्पीशीज, जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और फिर किंगडम, ठीक है। ये पूरी चेन है क्लासिफिकेशन की, जो पूरी चेन है वो है। तो मूल हमारा जो यूनिट क्या हो जाएगी, स्पीशीज हो जाएगी, फिर जीन्स, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और फिर किंगडम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोफाइट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, जलीय पौधे यानी एक्वेरिक प्लांट, संयंत्र रोग यानी प्लांट डिजीज, जड़ रहित पौधा, रूटलेस प्लांट या फिर जीव समुद्र में पाया जाता है, ऑर्गेनिज्म फाउंड इन सी। क्या हो जाएगा, हाइड्रोफाइट्स क्या होता है, हाइड्रो हमें पता क्या चल रहा है, वाटर, ठीक है, हाइड्रा, हाइड्रो से क्या हमें पता चल रहा है, वाटर पता चल रहा है। हाइड्रोफाइट्स क्या हो जाएंगे, जलीय पौधे यानी एक्वाटिक प्लांट्स, वो प्लांट्स जो पानी में रहते हैं या होते हैं या जमते हैं,
जन्मते हैं। आगे पौधे के साम्राज्य के गैर हरी हेक्टोट्रॉफिक पौधे हैं, नॉन ग्रीन हेक्टोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ प्लांट किंगडम आर एल्गी फंजाई मॉसेस या फर्न्स। नॉन ग्रीन पूछा तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, फंजाई हो जाएगा, नॉन ग्रीन हेक्टोट्रॉफिक प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाह्य संरचना और उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है। बाह्य संरचना मतलब किसी भी चीज़ की बस आउटर चीज़ को देख, आउटर चीज़ की जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आकृति विज्ञान, एनाटॉमी, पारिस्थितिकी या फिर फाइकोलॉजी। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, आकृति विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी आकृति विज्ञान, जो बाह्य संरचना हमारी आउटर जो भी चीज़ें उसकी अध्ययन को, संरचना को क्या कहते हैं, अध्ययन को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी यानी आकृति विज्ञान। एनाटॉमी जो है सेकंड ऑप्शन, एनाटॉमी क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स की स्टडी। मॉर्फोलॉजी क्या था, आकृति विज्ञान, बाह्य जो संरचना है, बाहर की जो हमारी चीज़ें दिख रही है जैसे आँख नाक कान, इनकी स्टडी को क्या कहेंगे, कहेंगे आकृति विज्ञान यानी मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स की स्टडी को, स्टडी ऑफ एनाटॉमी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और ऑर्गन्स, अंदर के जो भी ऑर्गन्स या स्ट्रक्चर हैं उसकी स्टडी को क्या कहेंगे, एनाटॉमी। पारिस्थितिकी क्या होता है यानी इकोलॉजी, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी, इकोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पारिस्थितिकी या इकोलॉजी का स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, वो भी सही था बट अगर प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। एनाटॉमी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स, इकोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। फाइकोलॉजी दिया है फोर्थ ऑप्शन, फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा, एल्गी, स्टडी ऑफ एल्गी कह सकते हैं। ठीक, फाइकोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवाल और एक और देख लेते हैं, माइकोलॉजी आता है, माइकोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ फंजाई। ठीक, तो क्या क्या हो गया, पहला जो क्वेश्चन था हमारा कि बाह्य संरचना और उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो आकृति विज्ञान कहते हैं यानी मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का क्या होता है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर या ऑर्गन्स। इकोलॉजी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट। माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्गी यानी शैवाल की का अध्ययन और माइकोलॉजी क्या हो जाएगा, स्टडी ऑफ फंजाई। आगे कृषि वानिकी है, एग्रोफॉरेस्ट्री इज जंगल के लिए बढ़ता हुआ पेड़, फसल काटने के बाद पेड़ उगाना, एक ही खेत में फसल की खेती के साथ पेड़ उगाना या इनमें से कोई है। तो एग्रोफॉरेस्ट्री क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा कि एक ही खेत में फसल के खेती के साथ ही पेड़ उगाना। अगला है पैश की उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है, किसकी उपस्थिति के कारण दही खट्टा होता है, हो जाता है, तो साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी उपस्थिति के कारण, लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण दही जो है वो खट्टा हो जाता है।
जो दही है उसमें क्या उपस्थित होता है, लैक्टिक शुगर उपस्थित होती है, ठीक है, जो किसमें लैक्टिक शुगर उपस्थित होती है वो जो किसमें लैक्टिक एसिड में बदल जाती है, और किसके कारण बदल जाती है, किस बैक्टीरिया के कारण, ये क्वेश्चन आता है, तो किस बैक्टीरिया के कारण, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। ठीक है, पहला तो ये क्वेश्चन आ जाएगा कि दही जो खट्टा हो जाता है वो किसके कारण, लैक्टिक एसिड के कारण, या क्वेश्चन आ जाएगा कि दही का जो खट्टापन है लैक्टिक एसिड के कारण हो जाता है, किस बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है, तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया जो आकार में गोल होते हैं उन्हें कहा जाता है, बैक्टीरिया जो आकार में गोल होते हैं, जो राउंड शेप बैक्टीरिया, उनको क्या कहते हैं, विब्रियो कोकस बैसिलस या स्पायरुला। तो जो राउंड गोल होते हैं, जो राउंड शेप में बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ जो विब्रियो है, जैसे तो विब्रियो जो होगा कॉमा शेप में होता है, ठीक है, कॉमा शेप में जो बैक्टीरिया होंगे वो कौन से होंगे, विब्रियो बैसिलस कैसे होंगे, रॉड शेप्ड होते हैं, और स्पायरला जैसा नाम है स्पायरल शेप्ड। गोल में हो जाएंगे कोकस, विब्रियो कॉमा शेप, बैसिलस रॉड शेप, और स्पायरला यानी हो जाएंगे स्पायरल शेप। बैक्टीरिया का सबसे छोटा रूप कहा जाता है विब्रियो बैसिली कोकस या स्पायरिला, सबसे छोटा रूप कौन सा हो जाएगा, कोकसी या फिर कोकस। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, लुई नॉक, लुई पैस्टर, रॉबर्ट कोक या हैंसन। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन हो जाएंगे, लुई पैस्टर हो जाएंगे। इनकी एक और कौन सी खोज थी, तो पैस्टराइजेशन टेक्निक थी जो, वो भी इन्हीं के द्वारा दी गई थी। ठीक, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन हो जाएंगे, लुई पैस्टर। रॉबर्ट कोक इम्यूनोलॉजी के जनक, जनक कह रहे हैं उन्होंने इम्यूनोलॉजी, और लुई नॉक के और किसके हो जाएंगे, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के। आगे बढ़ते हैं, वायरस जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं उन्हें कहा जाता है, वह कौन से वायरस है जो हैं जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेगस, बैसोफिल्स, बेसल शरीर यानी बेसल बॉडी, या फिर बैसी डियोस्पोर। कौन से ऐसे वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करते हैं, तो ए ऑप्शन हो जाएगा जीवाणुभोजी यानी बैक्टीरियोफेगस। बैसोफिल्स क्या होते हैं, एक तरह के WBCs होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बैक्टीरियोफेगस। नेक्स्ट है, जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिक में परिवर्तित करते हैं उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है जीवाणुरोधी बैक्टीरिया यानी डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, या फिर डीकम्पोजिंग बैक्टीरिया यानी जीवाणु का विघटन। तो जो नाइट्रोजन होते हैं यानी जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है वो NO2 नाइट्रेट नाइट्राइट या फिर NO3 यानी नाइट्रेट में जो बदलता है इसी को हम क्या कहते हैं। यही क्वेश्चन था कि जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन युक्त यौगिक, दो यौगिक निकले कौन से, NO2 और NO3 यानी नाइट्राइट और नाइट्रेट में जो परिवर्तित किया बदला उन्हें क्या कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा हमारा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक,
और अगर ये क्वेश्चन आए कि जो अगर यौगिक अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल रहे हो, यानी जो हाँ यहाँ पे यौगिक परिवर्तित हो रहे थे, ये यौगिक अगर वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में बदल रहे हो, या कहें कि ये प्रोसेस उल्टा हो रहा हो अगर, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक, अगर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से नाइट्राइट और नाइट्रेट में परिवर्तित हो रहे हैं तो आंसर क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, और यही प्रक्रिया अगर उल्टी हो रही हो अपोजिट तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक, तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने बायो के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।